अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अनिच्छन् अपि बलादिवनियोजितः। प्रभु क्या है शक्ति या व्यक्ति पता नहीं है, जो हमसे ऐसा कुछ बलपूर्वक कार्य या पाप करवाती है अनिच्छन अपि, इच्छा नहीं होते हुए भी। हम जानते ही नहीं, नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, पाप है, तो भी बलादिव नियोजितः, मानो पहले कोई योजना बनी है और बलपूर्वक हमसे कोई पाप करवा ही लेता है। तो अथ केन, कौन है? गीता के तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, तो फिर ऐसे प्रश्न, ऐसा प्रश्न, हरिभव हरिभव हरिभव, ऐसे प्रश्न अगर हमारे भी है होने चाहिए। तो परफेक्ट क्वेश्चंस है अर्जुन के, तो फिर भगवान ने दिए हुए पूर्ण या परफेक्ट आंसर्स है, उत्तर है सारे मानव जाति के प्रश्न है। कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर भगवान गीता में उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव, भगवान कहते हैं, तो तुम जानना चाहते हो कौन पाप करवाता है तो सुनो। विधि एनम ही वैरिनम, तुम्हारे पास पेन पेपर है, है? भगवान ने कहा नोट करो, विधि विधि एनम, इस बात को नोट करो। तुमने पूछा कि कौन पाप करवाता है, विधि एनम ही वैरिनम, तुम्हारा वैरी तुमसे ये पाप करवाता है। क्या नाम क्या पता? भगवान कहते काम एश क्रोध एश, एक है काम, दूसरा है क्रोध, रजोगुण समुद्भव। तो ये कहा इनका जन्म कहा, उत्पत्ति उत्पादन स्थान, तो भगवान रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न ये काम और क्रोध ही, तो बलपूर्वक कामवश, हमको कामवश क्रोधवश, ऐसा कुछ वशीभूत वो काम कर देता है, कुछ जादू कुछ ना प्रभाव कुछ। और फिर आगे समझाए भगवान कि काम, काम क्या है? काम को शत्रु कहे भगवान, काम शत्रु है, काम नाम का शत्रु है। इंद्रियानि मनोबुद्धिर, कहाँ रहता है? इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। इंद्रियानि नियम्यादो, भगवान कहते फिर नियम, इंद्रियानि नियम्य, इंद्रियों पर संयम रखो, धीरे धीरे तुम इस वैरी पर इस शत्रु पर जितेंद्रिय बनोगे, फिर जितेंद्रिय इंद्रिय निग्रह शमः दमः तपः शौचम क्षांतिर अर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। फिर भगवान उपाय या उत्तर भी देते, कैसे हम ऐसे मन की स्थिति को पहुंचा सकते ताकि उस काम का हम पर प्रभाव नहीं हो, या काम के स्थान पर हमारे प्रेम की स्थापना हो, भगवत प्रेम की, कृष्ण प्रेम की, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, जीवन का प्रयोजन है।